मेहंदीपुर बालाजी के इस पवित्र आस्था हम सब के लिए धार्मिक स्थान और बालाजी के कृपा से यहाँ पर हम सबको भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। भागवत कथा भी जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको ही भागवत कथा श्रवण करने का सुनने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं उनको जानना, उनको समझना और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत कथा में जीवन की हर आपदा चुनौती कठिनाई का रास्ता बताया और जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम परीक्षित की कहानी सुनते हैं तो हमारा जन्म भी और हमारी मृत्यु भी शाश्वत रूप से भगवान के चरणों में होती है। और इस मौके पर हमारे बीच में आचार्य मधुर शास्त्री जी के मुख से ये भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। भगवान हम सब पर कृपा करे और इसी तरीके से हम जीवन के हर आपदा संकट चुनौती और इस युग के अंदर भी किस तरीके से भगवान के बताए मार्ग पर चलकर सत्य और सेवा का काम करें, यही हम सब आज बालाजी की कृपा से यहां बैठे हैं। मधुर शास्त्री जी, हमारे बीच में पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं, राज्यसभा में हमारे सदन के नेता हैं, लेकिन उनकी आस्था बालाजी पर ऐसी है कि वर्ष में एक बार दो बार जरूर बालाजी के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि जो बालाजी की कृपा होती है, जो आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रेरणा से मैं देश सेवा का काम करता हूँ। मैं पुनः सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूँ। प्रभु हम पर इसी तरीके से कृपा बनी रहे और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे हाथ से काम हो वो सत्य और सेवा का काम हो। ये आशीर्वाद बालाजी के प्रांगण में मधुर शास्त्री जी के मुख से भागवत कथा के माध्यम से हमें जीवन जीने की राह बताए। हमारे बीच में नरेश पुरी जी महाराज जी का भी सानिध्य मुझे मिला और उन्होंने जिस तरीके से मंदिर का निर्माण कराया और आज भागवत कथा का आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको प्रणाम।